भदोही जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। महिला लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहीं पुलिस ने भी मामले को हल्के में लिया और अपने मन मुताबिक तहरीर दर्ज की। जहाँ गले चबी ना थे, तो हम साइन भर कर रहे के रहे के रहे, तो हमारे पास में खड़ा रहे, तो हम कहा भैया वो रहे रहा, मैं छुए था, तो कहा था तो बड़ी नहीं छे, हम कहा नहीं छे भैया, ठीक है हम नहीं छे, लेकिन हम मत छुए तो बड़ा आया। तब से हमारे हाथे पाते है कि ऐसे ठेल देना, ऐसे हमके ऐसे ठेल देना। तब इनका था कहा यार तू झगड़ा करता है, मेहरानू के कहा छू लिया हमारे हाथे से ठेल दे है, तभी बापा गाड़ी गोरा कह लेते गए ना, फिर हमारे ऊपर चढ़ के फिर ऐसे ऐसे कह के हम मारते गए ना, तो तीन जने ना चीनी नहीं पावे के रहा। कपड़े भी आपके उतार दिए थे? हम साया में लाट पे हमारा पूरा गांव देख के बा भैया। उनका समाज के लोग हैं, उनकर है, दोनों एक ही कास्ट के हैं, तो उसको लेके लाइन लगे थे कार्ड बनवाने के लिए। तो ऊपर से वहाँ पे जो महिला की बात आ रही है, उसके पति और दूसरा पक्ष जो मुलजिम पक्ष है लालचंद, उन दोनों में आपस में किसी बात को लेकर कहाँ सुनेगी। जिस अभियुक्त से मारपीट हुई थी वो गाँव में जेट भी कहा जाता है, लालचंद यादव नाम है, उसकी गिरफ्तारी। इसमें सर इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि महिला का कहना है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, जब उसने उसका विरोध किया तब ये लोग घर में घुस के उसको मारे हैं, उसको अर्धनग्न कर दिया गया था। जो भी है इसमें जो वीडियो है आई है, उसकी जांच भी कराई जा रही है, और जितनी भी विवेचना साहब के सुपरविजन में हो रही है उसमें, और जो जो चीज़ें पाई जाएंगी, जो फिलहाल जितनी भी चीज़ें आई हैं मैंने आपको बता दी कि सारी धाराएँ बढ़ा दी गई हैं, महिला का मेडिकल करा दिया गया है, और उस आधार पर और आगे भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में प्रथम दृष्टया मामला जो है, जो प्रभारी हैं इस समय, इंचार्ज हैं थाना गोपीगंज के अनिल यादव, श्री अनिल यादव, उनको लाइन हाजिर भी किया गया है। एक चीज़ ये भी आ रही थी सर, जब कल तहरीर लिखी जा रही थी तो वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने जब बताया कि छेड़खानी और ये सारी चीज़ें, तो उनको मना कर दिया गया, डांटा गया कि आप नहीं, खाली मारपीट की ही चीज़ लिखेंगी, हल्की मारपीट की, तहरीर बदलवाने के भी आरोप हैं उन लोगों के। देखिए अगर ऐसी कोई बात होती तो कल ही मुकदमा लिखा गया है और कल ही धाराएं चेंज हुई हैं, कल ही की दिनांक में यानी 29 तारीख को ही मुकदमा लिखा गया और बाद जांच जो है उसमें धारा चेंज हुआ है, तो ये बात ऐसी नहीं है। और इसीलिए मैंने बताया कि चूंकि न्यूट्रलिटी बनी रहे पुलिस की और कोई आरोप न लगे, तो ये इंस्पेक्टर को इसी संबंध में लाइन हाजिर किया गया है।